not the country, this is secular country. This is unacceptable. यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई, उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं, और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूँ कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंस के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं, पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रही है। इस इंसिडेंस में 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। सर लाखों वायरल हुआ है, क्या ये वीडियो यही घटना का है या कुछ और है? नहीं, देखिए काफी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है, उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई करे। मैं यही बताना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो और न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। देखिए इसमें जो मैंने बताया कि पुलिस तपास चालू है, टीमें बना दी गई हैं और अरेस्ट कर दिए जाएंगे।